ये देखो महिंद्रा की बोलेरो जा रही है। बोलेरो में ना शीशे देखो बाहर की तरफ सेट कर रखे बंदे ने। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ भाई। और अभी हम हैं प्रिटोरिया, द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे हमने 3-4-5 दिन नीरज भाई की बहुत सारी सुविधाएँ लिए और उनको 2-4 बार हमने अम्बेसियों में घुमाया, इधर से उधर, इधर से उधर। और अल्टीमेटली हमने आज बोत्सवाना का वीज़ा अप्लाई कर दिया है। वीज़ा कितने दिन में आएगा, फिर उसको हमें कलेक्ट करने के लिए वापस आना पड़ेगा यहाँ पे प्रिटोरिया में। तो आज हम यहाँ से अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं और नीरज भाई को बोलने वाले हैं बाय बाय। भाई ने अपने हाथों से बहुत प्यारी प्यारी रोटियाँ बना के खिलाई और लास्ट वाले 2 दिन हमने सेवा ली राशि की, वो अपने फ़ोन पर लगी हुई है। कैसे हैं भाई? वो इंडिया से, एक्चुअली मेरे लिए अच्छी बात क्या है कि राशि इंडिया से आई और इंडिया से आते ही मुझे घर से मिठाई लेके आई थी राजा हलवाई की। राजा जी स्वीट्स की मोदी नगर वाले, मोदी नगर के जैन सकंजी वालों के आसपास ही कोई राजा हलवाई है अपने, तो उनसे लेके आई थी। तो हम तो 2-3 दिन से अच्छा मीठा खा रहे थे और अब हम यहाँ से चलने की कर रहे हैं तैयारी। बेटिया गई है यार, वो हमारी एक नन्ही सी बेटिया थी, वो स्कूल चली गई है, उसको भी मिलना था, पर वापिस आएंगे, ऐसे जल्दी से पीछा छोड़ते नहीं है। वैसे भी नवोदय वालों के साथ तो मेरी खास अटैचमेंट है। एक नवोदय के भाई और मिल गए मुझे, अभिषेक भाई हैं। अभिषेक भाई वैसे तो सतना से हैं MP में, और पर वैसे यहीं के हो गए, पिछले 10 साल से यहीं पे हैं, तो और बिजनेसमैन हैं यहाँ पे। तो अब वो मुझे जोहान्सबर्ग से थोड़ा आगे छोड़ेंगे कहीं पे, क्योंकि इस एरिया में प्रिटोरिया जोहान्सबर्ग में मैं धन्नो को चलाऊंगा नहीं यार, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज हैं। सच्ची है कि झूठी है, पर इन्होंने मुझे इतना डरा रखा है कि इस एरिया में चलाना नहीं। धन्नो को मैंने भाई की गाड़ी में डाला है और अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो मैं इनसे मिला कैसे, देखो एक चीज़ बात बताता हूँ। राशि ने मुझे मैसेज किया, इसने नहीं किया नीरज ने, कि भैया जब आप इधर आओगे तो हमारे पास आना, और मेरे पति घर पे हैं और मैं तो इंडिया में हूँ, ये बात उसने स्पेशली नोट लिख की थी, तो आप उनके पास चले जाना। फिर मैंने नीरज को फ़ोन किया, एक्चुअली नीरज फिर बोला कि हमारी बात चली, वैसे ही कोई रूटीन सी बात थी, कोई किसी मतलब ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तो नवोदय से हूँ, मैं तो कहीं एडजस्ट हो जाऊँगा। बोले भैया आप नवोदय से हो? हाँ। तो बोले मैं भी नवोदय से हूँ। तो फिर अब ये परेशान हमसे, क्योंकि अब तुम नवोदय वाले मिल जाते हैं ना तो दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। उछलते हैं नवोदय। देखा क्या कहा, उछलते हैं नवोदय वाले मिलके। दोस्तों हमने धन्नो को गाड़ी में रखा है और भाई अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रोड जोहान्सबर्ग की तरफ जा रहा है देखिए। और इस हाईवे पे जोहान्सबर्ग से आगे कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं वहाँ जाके, और वो वहाँ भाई मुझे ड्रॉप कर देंगे। मैं आज वहाँ पे जाके किसी गेस्ट हाउस में रुकने वाला हूँ। यहाँ से हम लुसोटो की तरफ जाने वाले हैं और वहाँ से फिर से केप टाउन की तरफ जाएंगे। डरबन जाके हमें साउथ अफ्रीका का वीज़ा जो है वो एक्सटेंशन पे डालना पड़ेगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी वीज़ा के लिए ना, पिछले कुछ टाइम से क्या चल रहा है। तो बहुत बढ़िया लगा। तो यहाँ पे कब आए आप फर्स्ट टाइम, चलो आपकी कहानी सुन लेते हैं। नहीं, मैं 2015 में आया पहली बार साउथ अफ्रीका। तो मैं पहले डरबन आया था। अच्छा। तो मैं डरबन में रहा 2 साल, उसके बाद फिर मेरी पोजीशन चेंज हो गई, तो मैं जोहान्सबर्ग आ गया। अच्छा। तो फिर 2017 से लगभग मैं जोहान्सबर्ग में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बीच में मैं मोजाम्बिक, मेरी पोस्टिंग थी एक करीब 8-9 महीने की, 1 साल की। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे भी था मैं अभी, लेकिन दिसंबर से फिर मैंने अपना सब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करके और अपना खुद का बिजनेस चालू कर। यहाँ पे आता है ना, आता तो नौकरी के लिए है, पर कुछ साल बाद में अपना धंधा शुरू कर देते हैं, ये अच्छी बात है हमारे लोगों की, रियली अच्छी बात है। शुभकामनाएं हैं भाई को, और वैसे भी भाई नवोदय से है तो शुभकामनाएं डबल देनी पड़ती हैं हमें नवोदय वालों को। वो उनको आदत होती है डबलिंग मारने की, स्कूल में भी डबलिंग मारते थे, यहाँ शुभकामनाएं भी डबल लेते हैं। ये देखो महिंद्रा की बोलेरो जा रही है। बोलेरो में ना शीशे देखो बाहर की तरफ सेट कर रखे बंदे ने, दोनों साइड शीशे लगा रखे हैं, और वो कहीं लेके जा रहा है, अंदर तो खड़ा हो नहीं सकता। और सामने बहुत बड़ा व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर था, इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है मुझे तो। महिंद्रा की गाड़ियाँ कितनी है यहाँ पे आपको दिखेगी, एक ये आ गई है, उसके उस तरफ वो जो है जैज चल रही है होंडा की, और वो स्विफ्ट आ गई है के साथ में स्कॉर्पियो, वो जो लोडिंग वाली स्कॉर्पियो है। तो महसूस ही नहीं हो रहा कि किसी दूसरे देश में है स्कॉर्पियो पिकअप। यहाँ पे XUV भी चलती भी है। हाँ, XUV मैंने देखी है बहुत सारी। अभी भाई बता रहे थे कि यहाँ पे ना e-toll है, मतलब सुपर फास्ट गाड़ी निकलती है स्पीड पे और टोल क्रॉस हो जाता है और गाड़ी का टोल कट भी जाता है। और ये जो चीज़ लगी होती है ना यहाँ पे,
इसको क्या बोलते हैं भाई? डिस्क बोलते हैं। डिस्क के अंदर की तरफ एक डॉक्यूमेंट जैसा है, इसके अंदर बारकोड होता है। हाँ, फिर वो बारकोड से फिर स्कैन तो कर लेते हैं। बारकोड का क्या है, जैसे भी कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो ये डिस्क सरकार ही बना के देती है। अच्छा। हर साल रिन्यू होती है ये। तो आप जैसे मेरे पास ये गाड़ी है, इसका पूरा रिकॉर्ड, चेसी नंबर, सब कुछ वगैरह जुड़ा रहेगा। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे, सिस्टम का यदि एक्सेस है आपको, तो वो पूरी गाड़ी की जानकारी मिल जाएगी आपको। और ये टोल में भी जब हम निकलते हैं, तो वो फास्ट कैमरा जो होता है, वो हाई स्पीड कैमरा, वो सिर्फ आपका डिस्क स्कैन करेगा, तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस गाड़ी ने, इस नंबर की गाड़ी ने ये टोल या ये प्लेस इतने बजे क्रॉस किया। तो ये काफ़ी यूनिक सिस्टम है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अंदर। ये टोल है वो? ये टोल है, ई टोल। हाँ। ये अब हम जहाँ से जा रहे हैं, नीचे पूरा जो कुछ सीबीडी है। ये सीबीडी है। क्या नाम था इसका? क्राउन माइन। गोल्ड माइन होती थी। हाँ, ये गोल्ड माइन थी बहुत बड़ी साउथ अफ्रीका की। अभी बंद है क्योंकि कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो गई है उससे गोल्ड निकालने के लिए। बट एक टाइम पे आप समझ लीजिए कि साउथ अफ्रीका के कम से कम 20-30% आदमी इस इलाके पे काम करते होंगे। जोहान्सबर्ग जो डेवलप हुआ है सिटी, वो आप समझ लो रफली क्राउन माइंस की वजह से डेवलप हुआ है। अच्छा। हाँ। आज के जमाने में भी अंदर जो लगे हुए हैं ना, ये अंदर ले जाने के काम आते हैं लोग अभी भी। मतलब शाफ्ट खुला हुआ है, टूरिस्ट वो बना, टूरिस्ट बना हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ा मजेदार काम होता है, आप अगली बार आए तो हम ले चलेंगे आपको छुट्टी के दिन, कि आज भी वो एक शो करते हैं जिसमें आपके सामने गोल्ड बना के दिखाते हैं आपको। अच्छा। तो जो अंदर से ओर निकलता है उसको वो आपके सामने मेल्ट करके उसका एक गोल्ड का जो बुलियन बनता है ना, वो बुलियन आपके सामने बनाते हैं। वो बड़ा मजेदार शो होता है। पूरा एरिया जो है स्वेटो का है। स्वेटो यहाँ की सबसे बड़ी अफ्रीका की स्लम एरिया है। भैया मुझे छोड़े, उससे पहले मैंने भैया को कहा कि थोड़ा सा एक बार सुपरमार्केट में ले लो, तो हम ये कोई मॉल है उसमें आगे दूध ले लिया, पानी ले लिया, दही, ब्रेड और सेब। तब आगे जाने की तैयारी हो रही है भाई। और ये थोड़ा चीज़ लिया है, खाने पीने की चीज़ें ले ली है। तो अभी हम एक गेस्ट हाउस लेंगे, छोटा सा, कोई टूटा फूटा सा। थैंक यू मैन। ओके भाई, रूम ले लिया। ये 250 रेंट का मिला है। देखिए ऐसे है, ये एक्चुअली अगर 3 घंटे के लिए लेता तो 150 का था, पर मेरे को तो रात को रुकना था, तो 250 लगे हैं इसके। 1200 रुपये का रूम भी ठीक ठाक सही है, ऐसी बात नहीं है। भाई ने मुझे कर दिया ड्रॉप और अभिषेक भाई अब निकल रहे हैं। चलिए भैया, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। आप जब वापस एंटर करें ना। हाँ, मैं इधर आऊँगा ना, तो आप मुझे बता देंगे। श्योर। चलिए भैया, थैंक यू सो मच अभिषेक। ये रूम मिला है मुझे, देखिए एक पेंटिंग लगी हुई है, एक रूम है ये, और अंदर टॉयलेट है, पानी नहाने का तो गर्म तो है नहीं, शीशा लगा हुआ है। बट हाउ आर यू बना? आई एम गुड एनी। हाँ, फाइन। ये कोई लोकल रोड है, शहर है इधर 3-4 किलोमीटर, उससे पहले ही रुके हैं कोई। और यहाँ से अब बॉर्डर का 350-400 किलोमीटर रह गया। रात को ही हमारी इंस्टाग्राम पे आशीष भाई हैं हमारे सिरसा से, उनका मैसेज आया कि भाई कहा हो, मैंने कहा कि मैं इस जगह, बोले मैं आ रहा हूँ। फिर मेरे को समस्या ये होगी कि आज होगी 27 तारीख और मेरा जो आगे का वीज़ा है साउथ अफ्रीका का वीज़ा मल्टीपल एंट्री, तो मैं 30 तारीख के बाद में साउथ अफ्रीका दोबारा इंटर नहीं कर सकता। तो और अभी मेरा जो टारगेट है वो 300 किलोमीटर है। फिर मैंने देखा, चेक किया कि उस जगह पे आरटीपीसीआर की ज़रूरत है। तो फिर मैंने आशीष भाई से बात की, उन्होंने काफ़ी कहा कि बोला भैया मैं आ ही रहा हूं। और अब मैं आपको मिलवाता हूं। आशीष भाई कैसे भाई? बढ़िया जी, बढ़िया, मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और पता है जानकारी निकल गई नवोदय की, यहाँ भी इनके रूममेट थे जो कॉलेज में, रादौर के पास आउट इंजीनियरिंग ना, तो वो गुलबहार हमारे जूनियर थे स्कूल में। तो देखो कैसे, कहाँ से कैसे रिश्ते निकल जाते हैं। खैर, मेरे रूम में एक ये लगी हुई है यार पेंटिंग, बिंदु, एस बिंदु। पहले हम यहाँ पे आरटीपीसीआर कराएंगे एक बार, और आरटीपीसीआर जहाँ भी हो गया फिर उसके बाद में चलने की सोचेंगे। तो थोड़ी दूर और छोड़ के आएंगे भाई मेरे को, ताकि मैं बॉर्डर की तरफ निकल जाऊँ जल्दी से, ये देश क्रॉस कर जाऊँ। कल भी मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूँ 28, एक दिन मैं उस देश में रह सकता हूँ, 2 दिन रह सकता हूँ मैक्सिमम। और नहीं तो अगर मैं 300 किलोमीटर जाऊँगा तो 2 दिन मेरे यहीं ख़राब हो जाएंगे, और फिर एक दिन में वापस आना पड़ेगा। तो भाई के पास ये होंडा सिविक है, और इसमें दनों को हमने टायर खोल के निकाल रखना पड़ा हमें, और मैंने मेरा सारा सामान यहाँ पे रखा है। अब हम जा रहे हैं आरटीपीसीआर करवाने के, और फिर वहाँ से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं।
लो भाई हमने परांठे सब्जी आ गई है घर से, सरदा ने हमारे लिए परांठे बना बना के और सब्जी बना के भेज दी और हमने यहाँ पे कॉफी ले ली है, तो थैंक यू सरदा ये भेजने के लिए। सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट हो गया, अभी हम कोविड सेंटर पे जाके आए हैं, वहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं कि 10 बजे खोलेंगे, तो अभी 9 बजे हमारे पास एक घंटा था, तो सोचा हमने कि ब्रेकफास्ट किया जाए और साथ में कैपेचिनो लिया है एक, और भाई चाय पीने वाले हैं। हाँ। चाय के चलो चीयर्स भाई। चीयर्स, चीयर्स। भाई सारे हम भी चीयर्स कर सकते हैं, पीने वाले ही नहीं कर सकते। बहुत खतरनाक तरीके से निकाला गोरी ने। नाक में पूरा डिसोड़ दिया। यस तो भाई अब हम चलते हैं, अभी क्या है कि रिपोर्ट यहाँ पे 24 घंटे बाद आती है, तो तब तक हम बॉर्डर पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, वहीं पे कहीं पे प्रिंट निकाल लेंगे। पैरासीटामोल खा रहा हूँ यार, इसने बहुत ज़्यादा दर्द कर दिया और वैसे भी हेडेक हो रहा था। तो शहर का नाम पता है क्या? पेरिस। मतलब थोड़ा बोलना अलग तरीके से रहता है और टूरिस्टिक प्लेस है ये, यहाँ पे तो छोटा सा शहर है ये। चलो भाई हम आ गए यहाँ पे, पेरिस करके कोई जगह है, 1919 में बना हुआ एक सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ पे, और कुछ अलग अलग तरीके के पंछी यहाँ पे है और एक नदी है खूबसूरत सी। ये है सस्पेंशन ब्रिज और यहाँ पे भी ना यूरोप की तरह ताले लगाए हुए हैं, ये सस्पेंशन ब्रिज हिलेगा पूरा। क्राइम कैसे होता है वो बताता हूँ। अब ये जो बच्चे बैठे हैं सामने आपको दिखेंगे, अब ये सुट्टा मार रहे हैं पूरा, मतलब सुल्फा पी रहे हैं, तो ये एक रीज़न रहता है। ये लोग फिर लूटना पीटना शुरू कर देंगे, अभी तो मच्छी पकड़ रहे हैं। डन 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 डन, मेरा फ़ोन ना गिर जाए। ये देखिए खूबसूरत सा, और ये ताले प्यार की निशानियां लोगों ने लगा दी है यहाँ पे बहुत सारी। तो भाई वीडियो बना रहा है, भाई का चैनल का नाम क्या है? द लाइफ्स वे। यहाँ पे अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अपने काम का तो नहीं है, पर जाके ज़रूर देखना द लाइफ्स वे। तो मैक्सिमम अनबॉक्सिंग वगैरह करते रहते हैं वो, और यहाँ पे जो भी लॉन्च होता है नया प्रोडक्ट उसकी। पूरा हिल रहा है पर इसके पाइपें लगी हुई है, पाइपें ऐसे लग रही है जैसे टूट के गिरेगी अभी। खैर अच्छा यार, और ये ताले प्यार की निशानियाँ। ये प्यार चलता कितने दिन है मुझे नहीं पता, क्योंकि यादें तो यादें होती है ना भाई, अच्छी यादें लेके जाते हैं लोग। अब हमने ये ब्रिज देख लिया और बस ये लेक नदी बड़ी प्यारी है यार, बह भी बड़े ज़ोर से रही है। और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, अभी यहाँ से जो हमारा टारगेट है वो 200-300 किलोमीटर होगा, और हमने कोविड टेस्ट दे ही दिया, सैंपल दे दिया है, अब पता नहीं है सैंपल की रिपोर्ट क्या आएगी और कब आएगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि बॉर्डर की तरफ निकलते हैं, कल मोस्ट प्रोबली सैंपल की रिपोर्ट सुबह आ जाएगी, तब तक हमें बॉर्डर के आसपास पहुँचना है। तो अभी भाई मेरे को थोड़ा और आगे ड्रॉप करेंगे, कहाँ तक करेंगे वो उनकी मर्जी है, हमारी क्या चलती है भाई। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, 3 दिन में मुझे कंट्री के अंदर भी जाना है और कंट्री से बाहर भी आना, और 3 दिन में से एक दिन तो मेरा कोविड के RT-PCR जब तक नहीं आएगा, मतलब कल तक तो मैं कंट्री की एंट्री नहीं कर सकता। तो कल हो जाएगी 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को मैं कंट्री के अंदर एंटर करूँगा, ठीक है, शाम तक, और 29 अप्रैल को वापस आ जाऊँगा, क्योंकि 30 मेरा लास्ट डे है, 30 के बाद में मैं कंट्री जो साउथ अफ्रीका है उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता 30 के बाद में, या 30 को, मतलब एक दिन का मैं स्पेयर लेके चलता हूँ। और अच्छी बात क्या है कि साउथ अफ्रीका साइड में RT-PCR नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे को उधर जाके फिर RT-PCR करवाना पड़ता। ऐसे लग रहा है मैं पूरा यूरोप में ही घूम रहा हूँ, कोई फीलिंग आती नहीं है। देखिए सुपर बाइक्स खड़ी हैं सब। आपको सूरजमुखी की खेती दिखा देता हूँ, ये जो एरिया दिख रहा है ना बहुत दूर तक और सिर्फ फ्लावरिंग हो रही है इसकी, सूरजमुखी की, और कुछ है नहीं। पीछे गाड़ी में ये पड़े थे मरुंडा गुड़ वाले, क्या बोलते हैं इसको, मामरा लड्डू बोलते हैं इसको। आप में से किस किस ने खाए भाई? मज़ेदार है यार, ये तो प्रॉपर इंडिया से बन के आए हैं लग रहा है।